तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये हमारा हमारे पास जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट जब लोग रिपेयरिंग करते हैं, मोस्टली जो मीडियाटेक सीपीयू के जो मोबाइल फोन आते हैं, तो मीडियाटेक सीपीयू को मोबाइल फोन के अंदर अगर हम लोग जैसे ही मोबाइल फोन को फॉर्मेट करते हैं डोंगल के माध्यम से या अनलॉक टूल के माध्यम से, जैसे मीडियाटेक मोबाइल फोन को हम फॉर्मेट करते हैं, तो वो फॉर्मेट करने से हमारा मोबाइल फोन रिस्टार्ट होता, सॉरी हमारा जो सिस्टम होता है रिस्टार्ट हो जाता है, मतलब कंप्यूटर बंद होकर के चालू हो जाता है। अब कंप्यूटर अगर सिस्टम अगर बंद होकर के चालू हो जाएगा तो मोबाइल फोन तो आपको फॉर्मेट नहीं होगा। जब वहां पर मोबाइल फोन फॉर्मेट नहीं होगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम आती है, कई बार ऐसी प्रक्रिया होती रहती है, फिर कई बार फोन हमारे डेड भी हो जाते हैं और मोबाइल फोन चालू भी नहीं होते क्योंकि उसका बूट डेड हो जाता है। ये प्रॉब्लम जो होती है विंडो 10 में आती है, विंडो 11 में आती है, मोस्टली अगर देखा जाए तो आज के तौर पर विंडो 10 में तो पहले आती थी, तो फिलहाल नहीं आ रही है, विंडो 11 में आ रही है। विंडो 11 के जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं, जो विंडो 11 बेस्ड यूज हो रहे हैं, उसमें से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या है कि आपने मीडियाटेक का ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया, क्यूकॉम एमटीके 2.0 ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया, मीडियाटेक का 1.80 वाला ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया, मतलब आपने सभी ड्राइवर को इंस्टॉल कर लिया। जब आपने सारे ड्राइवर को इंस्टॉल कर लिए, सारे ड्राइवर इंस्टॉल करने के बावजूद भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम लोग उस मोबाइल फोन को कैसे फॉर्मेट करेंगे और उसका तरीका क्या है वो आज मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए जो करना क्या होता है, आपको सिग्नेचर ड्राइवर को डिसेबल करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों? सिग्नेचर ड्राइवर को डिसेबल करना होता है। सिग्नेचर ड्राइवर को कैसे डिसेबल करेंगे, उसका डिसेबल करने का तरीका क्या है, ये आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मेरे पास लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर सिग्नेचर ड्राइवर को डिसेबल कैसे किया जाएगा, उसका तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, ये बहुत छोटा सा बहुत आसान स्टेप है, आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और अपने मोबाइल फोन में आने वाली समस्याओं को ठीक कर पाएंगे मीडियाटेक सीपीयू में। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और सर थोड़ा सा कैमरे को हाथ में रखिएगा ताकि हमको यहां पर भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जब सिस्टम की कनेक्टिविटी टूट जाएगी तो ये स्क्रीन से हम लोग ऑफ हो जाएंगे और यहां पर मेन लैपटॉप की स्क्रीन पे आना पड़ेगा। ये बात आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर के अंदर, आप सर पास में आइए थोड़ा सा। तो सिग्नेचर ड्राइवर को डिसेबल करने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या करना होता है, अपने सिस्टम के अंदर शिफ्ट बटन को दबाना होता है। ये देखिए शिफ्ट बटन है ना, ये वाली, इस शिफ्ट बटन को दबाना है। शिफ्ट बटन को दबाने के बाद हम लोग यहां पर जाएंगे, पावर ऑफ में क्लिक करेंगे, पावर ऑफ में क्लिक करने बाद हम लोग रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। कहां पर क्लिक करेंगे? रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन स्क्रीन खुल जाएगी और अब आपको कहां पर जाना है, ट्रबल शूट में जाना है। कहां पर जाना है दोस्तों? ट्रबल शूट में जाना है। ट्रबल शूट में जाने के बाद ये एडवांस ऑप्शन आएगा, एडवांस वाले ऑप्शन में आप जाएंगे। एडवांस ऑप्शन के बाद आपका स्टार्टअप सेटिंग आएगा। क्या आएगा? स्टार्टअप सेटिंग। स्टार्टअप सेटिंग के बाद आप सिस्टम को जैसे रिस्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करते ही फिर देखिए आपके स्क्रीन में एक दूसरी तरह की विंडो आएगी। अच्छा, जो ऐसे लैपटॉप होते हैं उसमें विंडो एक्टिवेशन के लिए एक बिट लॉकर की मांगता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जाकर के वेबसाइट में बिट लॉकर की को रिकवरी कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज नंबर चूज अपलो यूज नंबर की फंक्शन की F1 से लेकर F9, जैसे ये होगा F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। F7 में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फॉर्मेंस लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसमें F7 प्रेस करेंगे। जैसे ही F7 को प्रेस करेंगे तो F7 प्रेस करते ही आपको सिस्टम रिस्टार्ट होगा और आपका सिग्नेचर ड्राइवर डिसेबल हो गया। जब सिग्नेचर ड्राइवर डिसेबल हो जाएगा, अब आप कोई भी मीडियाटेक सीपीयू का मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को आप आसानी के साथ में फॉर्मेट करिए, और जैसे आप मोबाइल फोन को फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने से आपका मोबाइल फोन का लॉक ब्रेक हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको सिग्नेचर ड्राइवर को डिसेबल करने का तरीका बताया कि किस तरीके से हमारे पास जो भी लैपटॉप आ रहे हैं, जो ऐसे लैपटॉप आ रहे हैं जिसमें विंडो 10 है और विंडो 11 यूज हो रही, मोस्टली विंडो 11 के लिए, 10 में तो चलो हो रहा है
लेकिन विंडो 11 में अगर ऐसी अब 10 में आ रही है, अगर आपके लैपटॉप में 10 अगर एक्टिवेटेड विंडो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बंद कर लीजिए। और विंडो 11 जो है जिसमें जो नए लैपटॉप आ रहे हैं फिलहाल, जो आज की डेट में अगर आप नया लैपटॉप कोई भी खरीद के लाओगे तो आपको विंडो 11 ही मिलेगी। अब विंडो 11 में जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ऐसे सिग्नेचर ड्राइवर को बंद कर सकते हैं, जो मैंने आज आपको वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिस वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं और उसको हम लोग नहीं ठीक कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इस MediaTek CPU को रिपेयर करने में बहुत सारी मदद मिलेगी, और फिर हम लोग इसके बारे में फ्लैशिंग करने का तरीका क्या है, सॉफ्टवेयर करने का तरीका क्या है, मोबाइल फ़ोन में लॉक कैसे खोला जाएगा, मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट कैसे किया जाएगा, अनलॉक टूल कहाँ से परचेज करें, डोंगल कहाँ से परचेज करें, सॉफ्टवेयर कहाँ से खरीदें, मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे हम लोग मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको इन वीडियो के माध्यम से कम्प्लीट ट्रेनिंग आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, और भी चैनल संबंधित इससे संबंधित और भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उन वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें, वॉच करने के बाद अच्छे से आप सीख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।